एम सोनाली. हमारी यूनिवर्सिटी ने आज यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया और हम यहाँ से CMK कॉलेज सिरसा से आए हैं और हमारी यहाँ पे हरियाणवी डांस की परफॉर्मेंस है और हमारी सारी टीम ने बहुत इंजॉय किया यूथ फेस्टिवल में और होप्स हो कि हम फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस में. सिरसा की जन नायक देवीलाल यूनिवर्सिटी में सातवां यूथ फेस्टिवल गुरुवार को शुरू हुआ. तीन दिन के इस युवा मेले में 40 कॉलेजों के 1500 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं. मेले के पहले दिन कोरियोग्राफी और मिमिक्री के मुकाबले हुए. मेले के माध्यम से युवाओं को स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया जाएगा. आइए कुछ विद्यार्थियों की बात सुनते हैं, उसके बाद यूथ फेस्टिवल की झलकियां देखेंगे. अंत में वाइस चांसलर विजय कायत का संदेश भी सुनेंगे. हम ज़ॉम्बीज़ की तरह बन रहे हैं कि जो हम जब हम मर जाते हैं ना तुम्हारी लाइफ कैसी होती है, इस बारे में हम बताना चाहते हैं. हमारी अधूरी इच्छाएं रहती है, फिर हम उसके पीछे कैसे भागते हैं, कैसे फिर भी हमें मौका मिलता है पर फिर भी हम पूरी नहीं कर पाते, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, फर्स्ट ईयर है लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है. सो एक्साइटेड, पूरा जोश आ रहा है. चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 7th यूथ फेस्टिवल को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल है. इसमें लगभग कॉलेजेस से 40 कॉलेजेस की टीम्स ने अभी तक रिपोर्ट किया है और वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो 5 स्टेजेस हम लोगों ने बनाई हैं जहाँ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और अलग अलग विधाओं में विद्यार्थी जो है ना कॉलेजेस के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें हमारा जो ओवरऑल स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हरियाणा में लिया है कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा. इसका अब अभिप्राय ये है कि हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से युवाओं के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, गांव को, शहर को, समाज को, पूरे हरियाणा को, कि हमारे यहाँ कई प्रकार की समाज में कमियाँ खामियाँ कुरीतियाँ होती हैं, हम उनको दूर करेंगे. दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और युवा साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना संदेश भी लिखें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच सके. धन्यवाद.